खींवसर के अंदर लोग मुझे कई कहते थे कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। आज उन लोगों को जो कहते थे वो खुद मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस तो घर घर गांव गांव ढाणी ढाणी नजर आ रही है। और जो लोग यहाँ बड़े बड़े भाषण ठोकते हैं, भाषणों से काम नहीं होता भाई। जवाब यार, एक बेटा बन के खा सकते हो, बाप बन के कोई नहीं खाने देता है। राम राम साह। दो चार जयकारों के साथ हम अपनी बात रखेंगे। हमारे सीनियर वकील साहब और दुर्ग सिंह जी ने सारी बात तो बता दी, और आप पूरे दिन से चलते आ रहे हो, थके हुए हो, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। भारत माता की, राम साह पीर की, माजी साह की, बोलो तेजा बाबा की, जम्बो जी की, 33 करोड़ देवी देवता की। कोई नाराज मत हो जाइयो, चुनावी साल है, जो बाकी रही कहीं और बोल दें आगे कटी। एक बात की आज बड़ी खुशी है, आप इतनी भारी तादाद के अंदर इस कांग्रेस के झंडे को बुलंद करने के लिए दुर्ग सिंह जी के साथ जुड़े हो। मैं 4 बजे से आया हुआ हूँ, 4 बजे से मैं देख रहा हूँ लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, दुर्ग सिंह जी को भी धन्यवाद और साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खींवसर के अंदर लोग मुझे कई कहते थे कांग्रेस नज़र नहीं आ रही है। आज उन लोगों को जो कहते थे वो खुद मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस तो घर घर गांव गांव ढाणी ढाणी नज़र आ रही है। और आपके लाड प्यार को देखते हुए मुझे आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है अशोक गहलोत जी और पार्टी आलाकमान भी सोच विचार जरूर करेगी। ऐसा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। और गहलोत साहब ने जो 5 साल के अंदर जनता को जो दिया है वाकई काबिल के तारीफ है। जो अभी बता रहे थे वकील साहब, साथियों एक बात बताऊं आपको, ये आप बीती बता रहा हूं, जब किसी गरीब को ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती थी तो वो 5 दिन पहले व्यवस्था करता था, 5,000 किसी और से, पड़ोसी से लेता, 5,000 किसी और से लेता, तब जाके उनको ऑपरेशन नसीब हो पाता। लेकिन गहलोत साहब ने इतनी बड़ी उपलब्धि दे दी, आपके पास यदि जन आधार कार्ड है तो कंबल लेके जाओ, राजस्थान के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई माइका लाल मना नहीं करेगा, आपका ऑपरेशन करेगा। और जो लोग यहां बड़े बड़े भाषण ठोकते हैं, भाषणों से काम नहीं होता भाई। सरकार के साथ, सरकार के मुखिया के साथ अच्छा समन्वय होना चाहिए, तब काम होना संभव है। आप मारवाड़ी में एक कहावत है, बेटा बन के खा सकते हो, बाप बन के कोई नहीं खाने देता है। इसलिए भाइयों, एक पिता होता है ना, जो पुत्र होते हैं 3-4, उनको जब अलग अलग होते हैं ना, तो उनको एक बार, रुक जाओ आप यार, एक बार क्या होता है, वो अलग अलग करते हैं तो एक बाजरी जो बोरी वगैरह जो धनमाया होती है वो बांट के अलग अलग कर देते हैं। उसके बाद में बोलते हैं बेटा कमाओ और खाओ। लेकिन अशोक गहलोत वो शख्सियत है भाइयों, जिन्होंने गैस 500 रुपये के अंदर सब्सिडी के तहत टंकी भर रहे हैं आपकी। यदि वो 500 रुपये के अलावा जो सब्सिडी आपके अंदर नहीं आती है तो 181 नंबर आपको दे रखे हैं, आप उस पर शिकायत दर्ज करवा सकते हो। रही बात प्लस में, जब स्कूल के अंदर बच्चे अपने फ्री पढ़ रहे हैं, कोई भी अपने खुद है ना कपड़े है ना वो रेडीमेड ले रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत साहब ने कपड़े और सिलाई सहित दे रहे हैं। इससे अच्छा और क्या चाहिए बताओ। जो 500 रुपये पेंशन मिल रही थी वो सीधा 1,000 रुपये दे रहे हैं। इतनी योजना यदि मैं बखान करूं तो दिन उग जाएगा। इसलिए मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। आप इतना भारी तादाद के अंदर जन समर्थन रूपी आशीर्वाद देने के लिए आप पहुंचे हो, आपका कोटि कोटि धन्यवाद व आभार। मुझे बोलने का मौका दिया दुर्ग सिंह जी और उनकी टीम ने, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पार्टी से भी मैं विशेष अनुरोध रहेगा मीडिया के भाइयों के थ्रू कि एक बार इन कांग्रेस के झंडे को जिस तरह से गांव गांव ढाणी ढाणी बुलंद किया है और लोगों की जो मंशा है उनके अनुरूप आप फैसला करें तो रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। नहीं तो वोट बहुत है, वोटों की कमी नहीं है खींवसर के अंदर, लेकिन पार्टी विचार करेगी तो जरूर सफल होंगे हम। इसलिए आपने हमें सुना, बोलने का मौका दिया, मान सम्मान दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय तेजा जी की।